कब शुरू ये, ये बैकग्राउंड के बारे में तो। मुंबई के, के में शुरू तो किया था मगर अगर मुझे स्टोरी अभी बतानी है तो आई एम मैं बिहार से हूँ तो जब हम बिहार में ग्रो करते हैं और बढ़ते बढ़ते हैं और ये मैंने कहा है बहुत बार तो हम ये नहीं कहते हैं कि मेरा नाम श्रद्धा है हम कहते हैं हमारा नाम श्रद्धा है और हम आ रहे हैं और हम जा रहे हैं और यही ऐसे करके मैं ग्रो की और जब दिल्ली में आई सेंट स्टीफेंस कॉलेज में तो सब मुझसे कहते थे कि श्रद्धा फिर से बताओ तुम कहाँ से हो तो <laughs> मुझे लगता था सब मुझे बहुत क्यूट फाइंड कर रहे हैं और बोल रहे हैं फिर से बताओ फिर थोड़ा टाइम लगा फिर पता चला कि एक्चुअली लोग मेरा मजाक मुझे कोई क्यूट नहीं फाइंड कर रहा था सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे और कहीं ना कहीं ये हमेशा लगा कि हम जैसे बात करते हैं हम जो होते हैं हम जहाँ से आते हैं कितना ज़्यादा जजमेंट है उसको लेकर एंड दैट वॉज समथिंग दैट स्टेड विथ मी ऑलवेज जो क्वेश्चन मेरे सवाल जो मेरे हमेशा जो मेरे दिमाग में रहता था कि, कि हम क्यों जज करते हैं किसी को कि वो उनके वो जहाँ से आते हैं हमारी कैपेबिलिटी और हम जो हर दिन अचीव करते हैं दैट इज़ अ स्टोरी एंड इट इज़ इट डिफाइंस our स्टोरी और जब मैंने यो स्टोरी मीडिया में गई तो वहाँ पर भी वो दिखा क्योंकि मीडिया में इट इज़ ऑल अबाउट आई मी माई सेल्फ एंड जो सक्सेसफुल है बड़ा है उसकी स्टोरीज तो दो हज़ार आठ में मुझे लगा जो हमारे जैसे लोग हैं जिनके माँ बाप शायद उतने आ, रिच नहीं हैं सक्सेसफुल नहीं है और जो सेल्फ मेड हैं और इसलिए दो हज़ार आठ में मैंने कहा हर इंसान जो खुद के बलबूते पर कुछ करना चाह रहा है जिसके पास बैकग्राउंड नहीं है पैसा नहीं है उन सब की कहानी उनकी ज़ुबानी सुनाएंगे और तब यो स्टोरी शुरू हुआ और आज एक डेढ़ लाख स्टोरी हमने किया है पिछले चौदह सालों में

ड्रीम दैट आई है तो ये तो हो गया आइडिया जहां से आपके अंदर से आया कि ऐसा मैं कुछ करती हूं तो आपने वेबसाइट बनाई किसी दुखते पे मुझे लगता है जब बहुत ज्यादा मैडनेस होता है किसी चीज के लिए तो लोग आ जाते हैं उस समय मैं मुंबई में थी और मुझे याद है दो लड़कों ने आईआईटी मुंबई के स्टूडेंट्स ने मुझे हेल्प किया था वेबसाइट बनाने में उनके साथ कॉलेज में बैठी थी उन्हें भी पीपल मेक थिंग्स आए आपकी वेबसाइट पे क्योंकि आपको पहले से लोग जानते थे बिकॉज यू वर्क इन और कई में काम किया था

अच्छा तुम्हारा बहुत अच्छा आइडिया है तो ये ऑन्टरप्रेनर है गेमिंग में मुंबई में अंधेरी में गेमिंग में अपना बिजनेस कर रहे हैं वो अपना स्टोरी सुनाना चाहते हैं तुम आ जाओ तो मैं गई ट्रेन लिया पहुंची अंधेरी थर्ड फ्लोर में आज भी मुझे याद है और मैं बैठी हुई थी और वो सीईओ आया हाई माई नेम आई डो वॉन्ट टू नेम इज दिस माई नेम सेड सॉरी कहा से <laughs> मैंने कहा योर स्टोरी से <laughs> बोला ये क्या स्टोरी है मैंने सोचा तुम सी एन लड़की जिसने इंटरव्यू सेट किया था उसको कहा कैसे कैसे लोग को उठा के ले जाती आई डोंट इवन नो मैंने सामने ही बोलने उठाई और हुँ. मुझे लगा उस समय भर भर के रोना शुरू करूं मैंने कहा नहीं इस आदमी के सामने नहीं रोगी नहीं हुँ. रोंगी क्योंकि वो बोला आई विल नॉट गिव इंटरव्यू टू समवन मैं ऐसे ऐसे किसी जिसको जानता नहीं मैं क्यों दू इंटरव्यू और मेरा दिल क्योंकि मेरा दिल था कि आवाज दो स्टोरी सुनाओ और ये और ऐसे मैं उस दिन थर्ड फ्लोर से चल के नीचे आई और पता नहीं आंख से आंसू आया और मैंने कहा एक दिन जो स्टोरी को बहुत बड़ा बनाऊंगी और दुनिया में जो भी हैं और यंग लोग हैं और जितने स्टार्टअप्स हैं और जितने लोग कुछ करना चाहते हैं सब इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहेंगे और संदीप चौदह साल लगा है बट आज बहुत मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर एंड बहुत चीजें हुई हैं जब मैंने प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू किया जब मैंने रतन टाटा आज दुनिया भर के बहुत सारे और इंडिया के बहुत बड़े बड़े लोगों को uh, uh, सारी आपके वहाँ पे कवर हो हैं। आज की डेट में आपकी जो कंपनी है उसकी वैल्यूएशन है अराउंड फोर्टी मिलियन डॉलर तो आप ये बताइए कि शुरू शुरू में जब आपने ये किया तो आपको इनिशियल जो ब्रेक थ्रू होता है यानी शुरू के जो पांच दस इंटरव्यूज हैं वो कैसे मिले वो आपने किन लोगों के करे और उस पर जब तक व्यूज नहीं आएंगे तब तक और लोग नहीं आएंगे तो इट्स ऑल अबाउट िटी ऑल अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन तो अगर आज अगर मुझे शुरू करना होता तो शायद काफ़ी आसान भी होता और टफ भी होता और वो मैं बताऊँगी क्योंकि 2008 में जब मैंने स्टोरी शुरू की जैसे यू नो एनी वन ईयर इफ आई टेल योर फर्स्ट स्टोरी तो मैं पहली

उस टाइम पे इन्होंने क्या किया एक वेबसाइट बनाई कुछ स्टूडेंट्स की मदद से जहां पे कुछ समोसे लगे फिर उसके बाद में वो वेबसाइट बनाने के बाद में लोगों को कॉन्टैक्ट किया और वो स्टोरी सिंपल टेक्स्ट में होती थी कोई yes, वीडियो नहीं, नहीं कोई ऑडियो नहीं, नहीं कुछ नहीं, नहीं।, नहीं। तो सिंपल टेक्स्ट यानी कि एक इंटरव्यू लिया एक इंटरव्यू फॉर्म में वहां पर टेक्स्ट में आ गई एक वेबसाइट के ऊपर उनकी कहानी आ गई विद फोटोग्राफ्स राइट तो देखा जाए तो बहुत ही सिंपल बिजनेस मॉडल है आइडिया कितना सिंपल है जो हम सोचते हैं ना कि आइडिया 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 में क्या है सोचो

परफेक्ट एक्साम्पल ऑफ वायरल मार्केटिंग जिसको अच्छी बोलते हैं वायरल मतलब क्या होता है कि जो अपने आप वर्ड से स्प्रेड हो जाए एडवर्टाइजिंग से आपको एक बार स्वाइक मिल सकता है लेकिन अगर प्रोडक्ट मतलब नहीं है तो वापस इन्होंने एडवर्टाइजिंग नहीं करी नहीं सिर्फ एक वेबसाइट बनाई वहां से

बिजनेस बनाया है तो आ, कैसे पैसा शुरू किया तो आइडिया तो बहुत रोमांटिकली की सबकी कहानी सुनानी है दिल से नहीं। नहीं। दिमाग यूज़ ही नहीं किया फिर पता चला दिमाग नहीं यूज़ किया है क्योंकि पैसा कैसे बनेगा स्टोरी स्प्रेड हो रहे हैं सबको लव कर रहा है स्टोरी और सबको बहुत वैलिडेशन मिल रहा है मगर पैसा कैसे बनेगा आ, बहुत बड़ा सवाल था मेरे सर पर और बहुत और मिडिल क्लास से आने से और जहाँ से जिस बैकग्राउंड से मैं आ रही थी मेरी मदर और मेरे घर में पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ऐसा नहीं था कि कोई घर से पैसा भेज रहा था या कुछ आ, वो था तो स्ट्रेस भी काफी है और पैसे को लेके काफी स्ट्रेस होने लगा प्लस आप एक सेफ और सिक्योर जॉब कर रहे थे जिसको आपने छोड़ा था वाई 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 से पैसा आ रहा था और यहाँ पे कितने टाइम तो पैसा नहीं आया था करने के एक साल तक एक साल तक कोई पैसा नहीं आया नहीं तो एक साल तक आपने कैसे किया अपनी पागल हो गई थी मैं <laughs> 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 क्योंकि पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था मेरी जिंदगी yeah. yeah. में एंड uh. uh, सेविंग था और ट्रेन से चलती थी जैसे आज अच्छे दुपट्टे पहने उस समय शॉपिंग कुछ भी नहीं किया एकदम एकदम इकोनॉमस जिंदगी उस समय जिया मैंने बट आई वॉन्ट टू कॉल दिस आउट कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड आई डेट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आप पैसे से नहीं आते हैं तो आपको सबसे ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि आपके अंदर एक आग लगा होता है कि पैसा कमाना है राइट इट इज वेरी गुड आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे घर से कोई एक रुपया नहीं भेजा न था तो मेरे अंदर बहुत हमेशा था कि कुछ भी बिजनेस करूं तो पैसा खुद इट शुड बी सेल्फ सस्टेनेबल एंड इट शुड बी एबल टू मेक मनी किसी ऑन्टरप्रेनर ने जिसकी स्टोरी की थी मैंने श्रीला आईडूपल मुझे आज भी उसका नाम याद है वो कहा हाउ आर यू मेकिंग मनी

हर साल हम प्रॉफिटेबल कंपनी रहे फंड रेज किया मैंने 2015 के एंड में तो पंद्रह से सत्रह तक हम नई एक्सपैंड किया बट वी ये है करके. तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि रेवेन्यू आपकी किस तरीके से रही ग्राफ क्या रहा जैसे पहले साल में कितनी रेवेन्यू थी फिर उसके बाद कितनी हुई कितनी हुई कितनी हुई कैसे बढ़ी रेवेन्यू जहां पे हमने मैं सोचती हूँ कि मैंने डिस्टर्ब किया मॉडल की एड से पैसे नहीं कमाए क्योंकि एड जो होता है वो अगर देखिए तो उसके लिए सौ मिलियन एक बिलियन व्यूज और ये सब right. उससे स्केल का पैसा बनता है तो हमने मैंने देखा मैंने बी2बी मीडिया बनाने बैकएंड मॉडल बी2सी था स्टोरीज बट बैकएंड में मैंने कहा बी2बी जिन सारे जो स्टोरीज कर रहे हैं उसमें काफी डेटा और इंटेलिजेंस मिल रहा था एक कोट है ब्रेन ब्राउन कहती है स्टोरीज आर डेटा विद सोल्स सो दे वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेटा एंड इंटेलिजेंस दैट स्टार्टेड गेटिंग बिल्ट ऑन द बैकग्राउंड और फिर हम उसको लेके जैसे बी टू बी नो जर्नल्स एंड एंड ट्रेड बॉडीज डू हमने काफी मीटअप्स किए तो उससे पैसा बना सेकेंड हमने एक प्रॉपर्टी दो में शुरू किया है आ, अभी तेरह चौदह साल हो गया है टेक्स पार्कस करके वो काफी बड़ा स्टार्टअप में सबसे बड़ा इवेंट होता है दुनिया भर से लोग आते हैं उसको अटेंड तो वो एक बहुत बड़ा आई बना थर्ड हम रिसर्च रिपोर्ट्स काफी निकालते हैं और ये सब करते चौथा मैंने कहा न्यूज़ लेटर सब्सक्राइबर्स क्योंकि ये टॉप एंटरप्रेनर्स सीईओस ये सब तो मेलर्स भेजने के आप हाँ, पैसे लेते होंगे राइट वो भी हाँ, है। वो होता होगा अभी वीडियो कैंपेन्स काफी करते हैं तो उसके लिए आते हैं अगेन कॉर्पोरेट्स प्रॉपर्टीज बनाए जैसे मनी मैटर्स ये सब करके सीरीज हम चलाते हैं तो अब ये सब बहुत सारी यू नो वंस यू हैव द ट्रस्ट गुडविल ब्रांड डेटा एंड इनसाइट तो पैसा बन जाता है एक्सीलेंट जी आप बताइए अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं कुछ आप पूछना चाहते हैं इनसे जो भी अभी तक इन्होंने शेयर किया उसके बारे में हाँ आप आप बताइए इनको माइक दीजिए फोर्टीन इयर्स का जो आपका मतलब इतना टफ टाइम गया इसमें इतने सारे ब्रेक थे तो मतलब बहुत पेशेंस चाहिए होगा तो उस टाइम पे ऐसा क्या था जो आपको इतना ज्यादा मोटिवेटेड किया मोटिवेट दो चीजें दो चीजें मुझे अभी अगर मैं आंसर करूँ मुझे मोटिवेट किया पहले तो ये <laughs> no, but i have to call uh, uh, sandeep. and of course, all of you know that to me, he's an incredible story in itself. and we are also very, very proud. and i also think the consistency and the generosity with which he has conducted himself. and, and that's very obvious. and that's why i think he has that kind of love which he gets. thank you so much. but i was just kidding. <laughs> no, no, but it's also why are we hesitant to not acknowledge good things in our country when we see? and he's one of the good things about our country. the two things that helped me was miranda of ka. तो एक बार शुरू कर दिया तो मेरी माँ बहुत रोई थी पटना में मैंने जब कॉल किया था मेरी मदर को कि मैं छोड़ रही हूँ टी चैनल और ये तो वो रोने लगी एंड आई वाज थिंकिंग कैसी पागल है कि ऑन्टरप्रीनर बन रही हूँ ये रो रही है तो कह रही थी बर्बाद हो गई हो तुम हमेशा से कुछ नहीं सुनती हो अभी इतना अच्छा जॉब था छोड़ दिया तो वो रोने लगी एंड मेरे अंदर एक वो डर था कि आई शुड नॉट डिसअपॉइंट माई मदर एंड द सेकंड थिंग वॉज समवेर आई वॉज वेरी मैड अबाउट कि मुझे नेगेटिविटी मैंने मैंने बहुत जिंदगी में देखा है और झेला है आई रियली बिलीव पॉजिटिविटी इज अ हैबिट बींग पॉजिटिव इज अ एवरी डे हैबिट लाइक ब्रशिंग योर टीथ पॉजिटिविटी रिक्वायर्स एफर्ट और मैं बीच में मैदान छोड़ के भागने वाली नहीं थी क्योंकि लोग कह रहे थे पी आर आई सेट आज दिस इज़ नॉट पी आर दिस इज बींग यू नो दबिलिटी टू अप्रिशिएट इच अदर तो वो भी एक जुनून था कि करना है अडिक्शन सो दैट एंड एन आई लॉस माई मदर इन टू थाउजेंड टेन

दी ओनली थिंक यू विल बिकम अ गुड स्टोरी टेलर इज बाई मेकिंग मिस्टेक्स एंड मेकिंग अ जोक ऑफ योर सेल्फ लोग हंसें मतलब आगे चल के अच्छी आयत पर हंसें और कुछ अच्छे जोक्स पे हंसें बट यू हैव टू कम एंड स्टैंड ऑन द स्टेज इट इज अगेन एन एवरी डे हैबिटिट राइट जो भी अच्छे स्टोरी टेलर्स को ऑब्जर्व करो जो भी है संदीप को देखो यू नो दे मतलब इट डजेंट कम ओवर नाइट हर दिन वो आके खड़े होते हैं दूसरा मुझे लगता है अगर अच्छा स्टोरी टेलर बनना है तो अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बींग्स

और एक्टर्स को कोई नहीं देखना चाहता इवन इफ इट्स मूवी मूवी आप एक्टर्स को देखने के लिए जाते हो या हो, yeah. मतलब रिलेट कर सके वो रिलेट तभी करेगा जब आप बिना किसी फिल्टर के बोल रहे हो अंदर से जो हो जैसे हो, बस बोलते चले जा रहे हो, सामने वाला भी अपने कहानी उसके माइंड में बिल्ड हो जाएगी अगर अबाउट ग्रेट स्टोरी टेलिंग एक स्टोरी टेलिंग हो सकती है विच इज लाइक

थैंक यू सो मच जी यहाँ पर आने के लिए एंड इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू प्लेजर टॉकिंग टू यू और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इनके एक्सपीरियंस है